हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था इसके पहले वाली वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से देख लिया था देखिए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसी के बेस पे था मतलब अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया है तो अब आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अंकल ने क्या कहा था देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना ठीक है कोई भी चीज अगर सेपरेट हो रही है तो हम उसे क्या कह देंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको हमने कहा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स अब बताइए मैंडल अंकल ने ऐसा क्यों कहा कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स मतलब इसे ऐसा क्यों कहा है कि जो गैमीट्स है जो प्योर होते हैं देखिए क्या होता है कि जब एक जनरेशन के जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं मतलब जीन के पास क्या होते हैं एलील्स होते हैं ठीक है मतलब यही होता है ना कि इनका फ्यूजन व्यूजन होता है ये गैमीथ जो है ये फॉर्म करता है पेरेंट्स देन उनका फ्यूजन होता है देन जायौर जाता है ऐसे ही होता है ना सब कुछ ये प्रोसेस आपको पता है ना कि हमने ऐसे देखा था कि इसमें क्या होता है पहले गैमीस फॉर्म होते हैं देन इनका फ्यूजन जो है वो होता है ठीक है तो सेम यही होता है तो इनका कहने का मतलब है कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर जा रहे हैं जो गेमीट्स के थ्रू जो एलिल्स जा रहे हैं या जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो क्या होते हैं प्योर होते हैं ठीक है उनमें कोई मिलावट नहीं होती है ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर कोई होमो जाएगा अगर टी है तो टी ही जाएगा उसके उसमें ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम लोगों ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, था कि फटाफट से देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था एक मिनट देखिए स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक तो लिया था टॉल प्लांट और एक हमने लिया था ड्राफ प्लांट अब आप देखिए जो फिनो हमें जो मिला है वो ऑल टॉल प्लांट मिला है ऐसा तो नहीं है कि इनका मिक्सिंग होकर जैसे टॉल और ड्राफ को क्रॉस कराया तो देखिए जीनो अलग है फीनो मतलब टॉल मिला है, है ना तो ऐसा नहीं हो रहा है ना कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को जैसे अगर मान लीजिए इन्होंने टॉल प्लांट या ऐसा सा कुछ इन्होंने तो, एक सेकेंड जैसे मान लीजिए ये इन्होंने लिया है कोई तो टॉल प्लांट ठीक है और ये इन्होंने लिया है कोई तो ड्राफ प्लांट ठीक है ये ड्राफ प्लांट हो गया थोड़ा सा इसको मैं और छोटा बना देती हूँ ताकि आ, हम डिफरेंस कर पाए ठीक है तो टॉल और ड्राफ प्लांट लिया तो एफ वन जनरेशन में ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें कोई इंटरमीडिएट प्लांट मिला ना तो वो टॉल है ना वो ड्राफ है मतलब बीच का कोई प्लांट मिला ऐसा तो नहीं हुआ है ना हमें क्या मिला है टॉल प्लांट ही मिला है मतलब जो पेरेंट्स हैं वो एक्सप्रेस पेरेंट्स के कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होंगे कोई नया कैरेक्टर उठ के नहीं आ जाएगा मैंडल अंकल ये कहना चाह रहे थे ठीक है बच्चा तो बात समझ में आई कि क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि ये जो कैरेक्टर जो एलील्स है ना ये सेपरेट आउट हो रहे हैं ठीक है ये जो एलील्स हैं वो क्या हो रहे हैं सेपरेट आउट हो रहे हैं साथ में है यहाँ पर देखिए स्मॉल टी भी अवेलेबल है ठीक है मतलब दोस्ती है कैपिटल टी स्मॉल टी में एक्सप्रेस मतलब अगर ठीक है कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बट स्मॉल टी अवेलेबल है एफ टू जनरेशन में आप देखिए यहाँ पर ड्राफ प्लांट जो है वो एक्सप्रेस हो गया है मतलब दोस्ती है इनकी इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ठीक है डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कि हाँ भाई हम दोनों साथ में रहेंगे बट ऐसा नहीं है ना कि अपनी आइडेंटिटी खो रहा है ठीक है मतलब ब्लाइंडिंग मिक्सिंग नहीं हो रही है ठीक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन मतलब क्या है पृथककरण हम कह रहे हैं सेपरेट आउट हो रहे हैं हमने यही कहा था ना कि यहां पर क्या हो रहे हैं जो ये एलील्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से ठीक है ना कैपिटल डी कैपिटल डी दोनों क्या हो गए सेपरेट हो गए हमने यही पढ़ा था ना कि सेपरेशन हो रहा है एलील्स का तो सेपरेट ठीक है सेपरेशन को हम क्या कह देंगे सेग्रीगेशन कह देंगे मतलब पृथककरण हिंदी में हम इसे कहते हैं पृथक करण ठीक है आई होप मैंने ये सही लिखा है ठीक है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको हम सेपरेशन कह रहे हैं कि एलील का सेपरेशन हो रहा है पृथक करण हो रहा है ठीक है ना इसमें क्या हो रहा है कि ब्लैंडिंग नहीं हो रही है नो no ब्लैंडिंग या हम कह सकते हैं नो मिक्सिंग ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरमीडिएट टाइप का ही कुछ निकल के आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है नो मिक्सिंग नो ब्लैंडिंग मतलब इस ये जो अपनी आइडेंटिटी है मतलब ईच एलील रिटेन्स इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मतलब उसके पास उसकी खुद की जो है वो आइडेंटिटी रहेगी ऐसा नहीं है कि वो जो ड्राफ अगर कैरेक्टर है कुछ ड्राफ्ट रेट है तो वो चेंज हो जाएगा कि नहीं अगर टॉल कह रहा है तो मैं वैसे वैसे कर लेता हूँ या इंटरमीडिएट में चेंज हो जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है हमें इंटरमीडिएट प्लांट कुछ नहीं मिला था हमें टॉल और ड्राफ्ट को क्रॉस कराया था तो हमें सारे प्लांट क्या मिले थे टॉल ही मिले थे कुछ इंटरमीडिएट नहीं मिला था मतलब क्या हो रहा है कि एक्सप्रेस हो रहे हैं मतलब इनमें कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के थे वो आ रहे हैं बट वो है कि कहीं वो एक्सप्रेस हो पा रहा है कहीं नहीं हो पा रहा है ठीक है अब ये क्या है साथ में भी रहते हैं ठीक है ये भी हमने देखा है कि एफ वन जनरेशन के अंदर ये दोनों ट्रेड जो थे वो साथ में थे बट एक्सप्रेस केवल टॉल प्लांट हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि स्मॉल टी एक्सप्रेस ही नहीं होगा एफ टू जनरेशन में जाके वो एक्सप्रेस भी हुआ था तो हम कह सकते हैं कि इवन ये साथ में रहते हैं दे रिमेन टुगेदर इवन दे रिमेन टुगेदर टुगेदर इन एन इंडिविजुअल मतलब ये साथ में तो रहते हैं सॉरीजुअल साथ में तो रहते हैं बट ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते एक डोमिनेंट हो जाता है एक रिसेसिव हो जाता है ठीक है बट डिसेग्रीगेट डिससेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जब इनका गैमीट फॉर्मेशन होता है तब ये क्या हो जाता है सेपरेट हो जाते हैं यही हमने देखा था देखिए एफ वन जनरेशन के अंदर हमने F, जो हमें जनरेशन मिली थी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जब हमने उनको सेपरेट किया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गया था अगर ऐसा होता कि मिक्सिंग हो जाती तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट कुछ में देखने को मिलता कि हमने इनको उनको क्रॉस कराया तो हमें कुछ ऐसा सा वो टी देखने को मिलता पर ऐसा नहीं हुआ ना हमें कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी ही हमें मिला है बाद में ठीक है हमें यही देखने को मिला है ठीक है तो हमें इससे क्लियर हो गया है कि ये जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं कई कंडीशंस में बट ये प्रेजेंट तो होते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कह सकते ठीक है बच्चा ये क्लियर हुआ मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ईच पेरेंट है उसके पास दो कॉपीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है ठीक है सब जो पेरेंट्स हैं उनके पास देखिए दो कॉपीज जो हैं वो प्रेजेंट है दो सब कलर ले लेती हूँ तो आई होप आप लोग को दिखेगा देखिए जो पेरेंट्स हैं उनके पास क्या है दो कॉपीज अवेलेबल होती हैं बट कई बार या तो वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है या हम कह सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है वो प्रेजेंट होती है जो रिसेसिव ट्रेट है वो कई बार एक्सप्रेस नहीं हो पाता है कई बार एक्सप्रेस हो जाता है बट ये साथ में रहते हैं ऐसा नहीं है कि ब्लैंडिंग कर लेते हैं मिक्सिंग कर लेते हैं या अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं इनकी आइडेंटिटी इनके पास ही रहती है कई बार ये एक्सप्रेस हो जाते हैं कई बार ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं और ड्यूरिंग मियॉसिस डिवीजन क्या होता है इनका जो एलि है से उनका सेपरेशन हो जाता है और हम देखते है कि हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जब हम एफ टू जनरेशन में देखते हैं तो जो रिसेसिव ट्रेट है वो भी एक्सप्रेस हो जाता है तो मैंडल अंकल ने ये कहा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेके मेरे ये ये लॉज हैं और उन्होंने अपने लॉज बता दिए थे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेके कौन कौन से क्रॉस हैं कौन कौन से लॉज बताए हैं मैंडल अंकल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो है डोमिनेंट एफ वन जनरेशन के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो गैमीट्स हैं वो सेपरेट आउट हो रहे हैं और इनकी प्योरिटी बनी रहती है मिक्सिंग नहीं करते हैं ब्लैंडिंग नहीं करते हैं आगे जाके ये एक्सप्रेस जरूर करते हैं कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं लेते हैं ठीक है इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेंगे बट अभी तक का जो मैंडल ने अंकल ने बताया है वो यही लॉ है आपको यही फॉलो करना है ठीक है जी बच्चा आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा अगर आप लोग थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदी एबल चैनल ठीक है बच्चा एंड आई होप सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और आपके ही uh, फेवरेट में जो वीडियोस हैं वो लेकर आ रही हूँ और आपको सब समझ में आ रहा होगा ठीक है uh, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आई विल सॉर्ट आउट योर ऑल प्रॉब्लम्स थैंक यू